गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अक्षत एग्जॉटिक बर्ड्स में। और आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो सीधे सीधे आज के टॉपिक में आते हैं। ये काफ़ी सारे बजीज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, और जब मैं पहली बार बजीज लेकर के आया था तो मैं दो पेयर लेकर के आया था, और मेरे दोनों पेयर में एक तो दो दिन के बाद में ही एक्सपायर हो गया था और मेरे पास में सिर्फ तीन बचे हुए थे, और मैं उनको सारी व्यवस्थाएं करके दे के रखी हुई थी। कुछ दिन के बाद में मैंने उनमें मटकियाँ लगाई, सब कुछ किया, लेकिन वो ब्रीड ही नहीं करते थे। और काफ़ी परेशान होने के बाद में मैंने फिर यहाँ वहाँ कुछ लोगों से बातें करना शुरू की जिनके पास में पहले से बजीज पेयर थे, और उन लोगों ने पहले ही मुझे ये कहा कि आप ये कंफर्म करिए कि आपके बजीज मेल हैं या फीमेल। और मुझे ये पता ही नहीं था कि क्या मेल है और कौन सा फीमेल है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी गलती आप लोग ना करें। और आज उसी पेयर से आगे मैंने कुछ पेयर और फिर परचेज़ किए, और आज मेरे पास में करीब करीब 200 के आसपास बजीज पैरेट हैं मेरी कॉलोनी में। तो आज हम बात करेंगे कि कंफर्म मेल और फीमेल कैसे चेक करते हैं, और जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 100% कंफर्म है। अगर आप उस तरीके से देख करके अगर बजीज बर्ड परचेज़ करते हैं तो आप बिल्कुल भी धोखा नहीं खाएंगे, और कोई भी पेट शॉप वाला या कोई भी जहां से भी आप परचेज़ करते हैं कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। क्योंकि लोग क्या करते हैं, झूठ बोल करके कि हाँ ये मेल है और फीमेल है, क्योंकि हमको जानकारी होती नहीं है। हम उनसे बोलते हैं कि मेल और फीमेल कन्फर्म दीजिएगा, लेकिन वो अपने हिसाब से उठा करके आपको दे देते हैं, और हमें चूँकि कोई नॉलेज नहीं होता है कि हमें कैसा बर्ड लेना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से वो जो देता है आप लेकर के आ जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही कंफर्म करने वाला हूं कि आप जब पेट शॉप पे जाते हैं तो आप ये एक सेकंड में, जी हाँ एक सेकंड में, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो बजीज़ आपके सामने है वो मेल है और फीमेल है। इसके लिए अब सीधे टॉपिक में आते हैं, और मैं आपको फटाफट से ये दिखाता हूँ कि मेल और फीमेल हम कैसे चेक कर सकते हैं एक बार में। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ दो तीन जोड़े पकड़ के रखे हुए हैं, दो तीन पेयर यहाँ पर रखे हैं, ये सामने आपको दिख रहे हैं। इसमें कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक ही कलर के एक से दिखने वाले, मैंने ख़ास तौर से इनको निकाला हुआ था कि दोनों एक ही कलर के हों, एक से देखने वाले दो पैरेट ये आपके सामने हैं। और इनको हम देख करके कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, राइट? तो अब इनको ध्यान से देखिए, मेरे लेफ्ट हैंड में, यस, इसकी चोंच के ठीक ऊपर देखिए, चोंच के ऊपर जहाँ पर इसकी नोज़ है, नोस्टिल जहाँ दिख रहे हैं वहाँ पर ध्यान से देखिए कि दोनों का कलर आपको अलग अलग दिख रहा होगा। एक में आपको ब्लू दिख रहा है, और ध्यान से देखने में एक ब्राउन या थोड़ा सा वाइट दिख रहा है। ये वाइट वाला देखिए आप, ये तो जिसकी नोस्टिल या तो ब्राउन हो या वाइट में हो तो वो कन्फर्म फीमेल है, जी हाँ फीमेल है। और ये जो है, दोनों की नोस्टिल ध्यान से देखिएगा, एक ब्लू दिख रही है और एक वाइट सी है, हल्की सी ब्राउन है। तो ब्राउन या वाइट अगर नोस्टिल है तो ये कन्फर्म एडल्ट फीमेल है। और जो ब्लू दिख रहा है आपको मेरे लेफ्ट हैंड में, ब्लू नोस्टिल, ये कन्फर्म मेल है। और मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, अब स्क्रीन में आपको अच्छे से दिख रहा होगा दोनों की नोस्टिल, ब्लू और वाइट या ब्राउन। एक दूसरा पेयर से भी इसको चेक करते हैं, ये मेरे पास में वाइल्ड बजीज है और राइट हैंड में मेरे एक स्पेंगल बजीज है। अभी इसको देखिए, एकदम ब्लू दिख रहा है, और अब आप इन दोनों को देखिए, एक ब्राउन है नोस्टिल, आपको ब्राउन दिख रही है, नाक वाला हिस्सा ब्राउन दिख रहा है, वो फीमेल है। देखिए काटने की कोशिश कर रहा है उसको, जिसको ये काटने की कोशिश कर रहा है वो फीमेल है। और जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है स्क्रीन में आपको सामने, वो मेल है, स्पेंगल की फीमेल है।
और प्योर वाइल्ड वजीज मेल है। तो ये दोनों आपको अंतर एकदम सामने दिख रहा होगा। और ज़्यादा आगे बात ना करके मैं आपको एक पिक्चर में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, और ये एक ही अंतर काफ़ी है आपको कंफर्म करने के लिए। अगर एडल्ट हैं तो पता चल जाएगा। ये देखिए, जब ये एडल्ट होते हैं तब ये कलर आता है, अगर बच्चे हैं या सेमी एडल्ट हैं तो थोड़ा थोड़ा सा कलर आना शुरू होता है, लेकिन अगर बच्चे हैं तो ये कलर नहीं आता है। बच्चों के लिए, बच्चों में मेल और फीमेल कैसे कन्फर्म करना है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये स्क्रीन पर आपको मेल और फीमेल दोनों का स्पष्ट अलग अंतर समझ में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।